अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू पाकिस्तानी रिएक्शन। गाइस, आज जिस वीडियो पे टॉपिक पे हम रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है पाकिस्तानी बिग सिटी कैपिटल सिटी इस्लामाबाद वर्सेस इंडिया कैपिटल सिटी न्यू दिल्ली। तो इन दोनों जो कैपिटल हैं इन दोनों मुल्कों के, उन दोनों सिटी का कंपैरिजन करने वाले हैं। तो बहुत ही दोनों प्यारी सिटी हैं, तो चलते हैं देखते हैं कि कौन सी ज़्यादा बेस्ट है। तो जो भाई चैनल पे नए हैं तो प्लीज आगे जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। इंडिया का राजधानी शहर यानी कैपिटल सिटी है दिल्ली। पाकिस्तान का राजधानी शहर यानी कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, जहां दिल्ली को कहा जाता है दिलवालों का शहर, दिलदारों का शहर। वही इस्लामाबाद को कहा जाता है इस्लाम को फॉलो करने वाला आबाद यानी इस्लामाबाद। चाहे दिल्ली हो या इस्लामाबाद, वर्ल्ड में इन दोनों शहर का बहुत ही अहमियत है। पॉलिटिकल एंड लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन सेंट्रली पूरे देश में यहाँ से ही कंट्रोल होती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं दिव्यूत यूट्यूब और मैं हूँ आपका होस्ट दिव्यूत। एंड आज के वीडियो में हम इंडिया के राजधानी दिल्ली के साथ पाकिस्तान के राजधानी शहर इस्लामाबाद को कंपेयर करेंगे। जानेंगे कौन किस में आगे है, कौन ज़्यादा बेहतर है, इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट में कौन आगे है। साथ में दोनों शहर का वर्चुअल टूर हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। इस्लामाबाद बहुत प्यारी सिटी है पाकिस्तान की। न्यू दिल्ली इंडिया का कैपिटल सिटी दिल्ली को 1911 में हिंदुस्तान का राजधानी बनाया गया था। दिल्ली शहर बहुत ही पुराना है जो कि मुगल युग से चला आ रहा है। वही पाकिस्तान का कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, जो कि काफ़ी नया शहर है। 1960 में पूरी प्लानिंग के साथ इस्लामाबाद को बसाया गया था। इससे पहले पाकिस्तान का राजधानी रावलपिंडी हुआ करता था। रावलपिंडी था कैपिटल। दिल्ली शहर दो भागों में बटा हुआ है, एक है पुराना दिल्ली एंड एक है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली को प्लान के मुताबिक बसाया गया है। आज के समय सभी गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग न्यू दिल्ली में मौजूद है। इसके अलावा दिल्ली NCR का गठन किया गया है, जहाँ पे दिल्ली के आसपास के एरियाज को डेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, अगर आबादी की बात करें तो आज के समय करीब 12 लाख से भी ज़्यादा लोग इस्लामाबाद में रहते हैं और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। वही दिल्ली में करीब 2 करोड़ से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, जो इस्लामाबाद से कई गुना ज़्यादा। इसलिए दिल्ली शहर इस्लामाबाद से काफ़ी बड़ी है और यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है हिंदी। पाकिस्तान का 9th मोस्ट पॉपुलर सिटी है इस्लामाबाद एंड फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द पाकिस्तान गवर्नमेंट एज पार्ट ऑफ द इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटोरी। द सिटी इज नोटेबल फॉर इट्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, सेफ्टी, क्लीनलीनेस एंड ग्रीनरी। इस्लामाबाद 8 जोन में डिवाइडेड है, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव, डिप्लोमेटिक इनक्लेव, रेजिडेंशियल एरिया, एजुकेशनल एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर्स, कॉमर्शियल एरियाज एज वेल एज रूरल एंड ग्रीन एरिया, एडमिनिस्ट्रेटेड बाई द इस्लामाबाद मेट्रोपोलिटन अथॉरिटी। अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली नेशनल कैपिटल टेरिटोरी NCT, ये इंडिया का यूनियन टेरिटोरी है। इसके अलावा NCR, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मेट्रोपोलिटन एरिया है, ये एरिया काफ़ी डेवलप्ड है एंड स्टिल रैपिडली ग्रो कर रहा है। यहाँ पे हाई रेस स्काईलाइंस, मेट्रो मल्टीप्लेक्स, हाईवेज, वाइड स्ट्रीट, होटल इंडस्ट्री, IT सेक्टर, कॉलेज, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा इसमें शामिल है। दोस्तों, अगर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो इस्लामाबाद से दिल्ली की सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लार्ज एंड ह्यूज नंबर पर है। दिल्ली में ज़्यादा से ज़्यादा सिटी स्ट्रीट्स, फ्लाईओवर्स, रेजिडेंशियल एरिया, हाईवेज, ह्यूज एंड टॉलेस्ट स्काईलाइंस, इंडस्ट्री जोन, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, टूरिज्म इंडस्ट्री, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, मेट्रो ज़्यादा अवेलेबल है कंपेयर टू इस्लामाबाद। अगर बात करें सिटी ब्यूटिफिकेशन एंड एटमोसफेयर की, तो नो डाउट इसमें इस्लामाबाद दिल्ली से काफ़ी काफ़ी आगे है। इस्लामाबाद बहुत ही खूबसूरत शहर है। इसे वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल सिटी माना जाता है साउथ एशियन रीजन में। यहाँ पे वाइड ट्री लाइंड सिटी स्ट्रीट, वेरियस सेक्टर एंड जोन्स एंड स्पेक्टिकुलर हिल्स व्यू मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल कैपिटल। इसके साथ साथ यहाँ का एटमोसफेयर एंड वाइब्स काफ़ी प्लेजेंट रहता है साल भर इसकी अच्छी जियोग्राफिकल लोकेशन के वजह से। वही दिल्ली में गर्मियों में हद से ज़्यादा गर्मी, सर्दी में हद से ज़्यादा सर्दी और यहाँ का एयर पोल्यूशन एंड ओवर पॉपुलेटेड दिल्ली को देती है। लेकिन हाल ही में दिल्ली में लार्ज स्केल में सिटी ब्यूटिफिकेशन का काम हुआ है,
अभी के समय बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी एंड ग्रीन जोन बनाया गया है दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी इस मामले में पाकिस्तान के इस्लामाबाद से दिल्ली काफी पीछे है। जहाँ दिल्ली एक डेंसिटी पॉपुलेटेड सिटी है, हर जगह ओवर क्राउडेड है, सिटी के अंदर बहुत ही ज्यादा रेजिडेंशियल एरिया है, जिस वजह से शहर को मेंटेन करना काफ़ी ईजी होती है। एंड पाकिस्तानी गवर्नमेंट भी इस्लामाबाद को ज़्यादा पॉपुलेटेड सिटी नहीं बनाना चाहती है इसकी सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस के लिए। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहूँगा, इस्लामाबाद बहुत ही ज़्यादा हाई कॉस्ट सिटी है, मिडिल क्लास के लिए शहर में सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल। इस्लामाबाद में ज़्यादातर रिच लोग रहते हैं, मिडिल क्लास लोगों के लिए यहाँ पे कोई जगह नहीं है, इसलिए इस्लामाबाद की पॉपुलेशन भी काफ़ी कम है पाकिस्तान के बाकी शहर के तुलना में। पूरे पाकिस्तान में इस्लामाबाद बहुत ही अलग और सबसे खास है, वही राजधानी दिल्ली में पुअर एंड रिच पीपल दोनों ही सर्वाइव कर सकते हैं। सही बात। दोस्तों अगर दोनों शहर की ट्रांसपोर्ट की बात करें तो दिल्ली एंड इस्लामाबाद दोनों ही राजधानी शहर होने की वजह से इंटरनेशनल गेटवे है। इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट 2018 में इसका नया बना एयरपोर्ट, बहुत ही प्यारा, और इसको ऑपरेट करती है पाकिस्तान सिविल एविएशन अथॉरिटी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको ऑपरेट करती है इंडियन सिविल एविएशन अथॉरिटी। दोनों शहर में ही रेलवे स्टेशन है, हालांकि इस्लामाबाद में अभी सिर्फ एक एक्सप्रेस ट्रेन ही चलती है इस्लामाबाद से कराची तक। वही दिल्ली रेलवे स्टेशन इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे स्टेशन एंड देश के कोने कोने तक रेलवे से कनेक्टेड है राजधानी दिल्ली। इस्लामाबाद में कोई मेट्रो अभी तक नहीं है और ना कोई मास रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है, लेकिन शहर में मेट्रो बस अवेलेबल है। इस्लामाबाद के काफ़ी सारे रूट में ये मेट्रो बस चलती है। दिल्ली में ह्यूज नंबर पर मेट्रो अवेलेबल है, यहाँ पे करंटली 10 लाइन पर अभी मेट्रो चलती है, जो दिल्ली शहर के साथ साथ इसके आसपास के एरियाज के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसके अलावा NCERTS चलती है एंड एयर ट्रेन पर भी काम चल रहा है, जो बहुत ही चलने वाली है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्लामाबाद से दिल्ली में बहुत ही ज्यादा है, इनफैक्ट इसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं बनता। इस मामले में दिल्ली इस्लामाबाद से बहुत आगे है। दोनों शहर की फेस्टिवल्स एंड कल्चर की बात करें तो इस्लामाबाद में मुस्लिम कल्चर है एंड यहाँ का बिगेस्ट फेस्टिवल है ईद। यहाँ पे हिंदू क्रिश्चियन बुद्धिज्म की कोई कल्चर देखने के लिए ज़्यादा नहीं मिलती बिकॉज ऑफ मुस्लिम डोमिनेशन। दोस्तों दिल्ली इज एन ओल्ड हिस्टोरिकल सिटी जो थाउजेंड ऑफ ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। वही इस्लामाबाद फुल्ली प्लानिंग एक न्यू सिटी है, जहाँ दिल्ली में ज़्यादा ट्रांसपोर्ट एंड ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, वही इस्लामाबाद में ज़्यादा ब्यूटी है दिल्ली के मुकाबले। आप बताओ आपको कौन सा शहर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा एंड क्यों? अगर आपको जाने का मौका मिले तो सबसे पहले आप कौन से शहर में जाना पसंद करोगे वो कमेंट पर हम सबसे ज़रूर शेयर करें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा पाने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय। तो गाइस आज की ये वीडियो थी, कंपैरिजन थी जो पाकिस्तान और इंडिया की कैपिटल सिटी है न्यू दिल्ली और इस्लामाबाद की। तो आप लोग बताएं कि आपको कौन सी सिटी अच्छी लगी और उस सिटी की कौन सी चीज़ आपको ज़्यादा बेस्ट लगी, तो आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें। तो बाकी चैनल पे जो नए हैं भाई प्लीज़ जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़।